कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मोदी की रैली को राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ बताया है। खुर्शीद ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी जैसे को तैसा में सबक में यकीन नहीं रखती है। उनसे बात की हमारे राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष ने। क्या कांग्रेस मोदी से डरी हुई है? हमारे साथ है सलमान खुर्शीद जी। सलमान जी, मोदी जा रहे हैं अमेठी। अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बीजेपी को के बड़ा नेता अमेठी जाते हैं, हमेशा से एक समझौता सा हुआ है, लेकिन इस बार मोदी गए, अमेठी जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये संदेश या इंडिकेशन जा रही है कि अब बहुत हो चुका, अब अमेठी के लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते? देखिए, ये बहुत हो चुका और ये जो ये एक्सट्रीम की भाषा होती है वो क्या हमारे राष्ट्रीय संवाद में क्या वो उचित है कि नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो हमारे लोकतंत्र में प्रमुख नेता विभिन्न दलों के हैं, उनके बीच में शिष्टाचार और कुछ साधारण एक आदान प्रदान विचारों का और संबंध का रहता है, चला आया है, बहुत समय से चला आया है, पंडित जी के ज़माने से चला आया है। अब इसको अगर भारतीय जनता पार्टी और विशेषतः भारतीय जनता पार्टी के मुखिया इस समय जो हैं मोदी जी, अगर वो इसको समाप्त करना चाहते हैं तो ये उनका निर्णय है, हमने नहीं किया समाप्त। लेकिन अगर चुनाव की जो प्रतियोगिता होती है उसको अगर युद्ध मान के वो लड़ना चाहते हैं तो फिर युद्ध की भाषा और युद्ध की ही परंपरा का उपयोग हम भी करेंगे। इसलिए कि हम ये मानते हैं कि कुछ शिष्टाचार, कुछ साधारण संबंध, कुछ लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए। आपको लगता है मोदी को नहीं जाना चाहिए था अमेठी? मैं तो समझता हूँ कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर उनका निर्णय है तो वो जाए, हमको कोई डर तो लगता नहीं है। वो क्या वहीं रहते, वो वहीं। लेकिन आपको क्या लगता है यही कारण है कि क्योंकि अब तक गांधी परिवार से कोई भी नहीं गया है वाराणसी में कैंपेन करने के लिए, क्या आपको लगता है ये आपकी गलत रणनीति थी? नहीं नहीं, हमारी कोई रणनीति में हम ये मान के चले कि हम इसलिए कर रहे थे कि वो ना आए, इसको नहीं, ऐसा इसको ऐसा मत समझिए। जो सिद्धांत है वो अपनी जगह होता है, जो शिष्टाचार है वो अपनी जगह होता है, जो हमारी परंपराएं हैं जो पूरे देश ने देखी और मानी है वो अपनी जगह है। अब इससे कोई हटकर कुछ करना चाहता है तो उसका निर्णय है। आज ध्रुवीकरण क्यों किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है और ये सफल नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है, बिल्कुल सफल नहीं होगा। ध्रुवीकरण इसलिए किया जा रहा है कि लगता है कि मोदी जी ने पहले विकास की बात करी, फिर अपनी क्षमताओं की बात करी, फिर अपनी दूरदर्शिता की बात कही, फिर अपने संकल्प की बात की और देखा कि ये सब जितने भी वोट बिटोर रहे वो उनको सरकार में नहीं पहुंचा सकते, तो अब उन्होंने पटरी अपनी बदली है और अब ध्रुवीकरण के लिए। आरोप तो कांग्रेस पर भी लगती है, जब सोनिया गांधी शाही इमाम से मिलती हैं या प्रियंका और राहुल गांधी दरगाह जाते हैं, तो ये आरोप तो आप लोगों पर भी लगते हैं ना जाए। तो अगर कांग्रेस सही है तो फिर बीजेपी कहां गलत है? कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है? सब लोग जानते हैं कि कानून क्या है, सही व्यवस्था क्या है, कितना आप कर सकते हैं, क्या कितना नहीं कर सकते। आप दरगाह जा सकते हैं, कोई रोकता नहीं, मंदिर जा सकते हैं, कोई रोकता नहीं, मंदिर के प्रांगण से या दरगाह के प्रांगण से आप वहां से भाषण करें वो गलत है। आप जा सकते हैं, जो भी आप कपड़े पहन के जाना चाहते हैं और जैसा भी आप अपने माथे पर टीका लगा के जाना चाहते हैं चुनाव में वोट डालने के लिए, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। लेकिन बाहर आकर वहां खड़े होकर आप भाषण करें, और वो तब करें जिस दिन आपको चुनाव अभियान से अलग होकर काम करना होता है, तो उस पर आपत्ति हो सकती है। सलमान जी, राहुल गांधी कहते हैं कि वो थर्ड फ्रंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी कहती हैं कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना शायद असंभव हो, तो ऐसे में मैसेज क्या जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी आपको लगता है इस बार विपक्ष में बैठना चाहिए या थर्ड फ्रंट या सेक्युलर फ्रंट को सपोर्ट देना चाहिए? इसका निर्णय मैं नहीं ले सकता हूँ, ना मुझे कुछ कहना चाहिए। राहुल जी का एक इसमें बड़ा स्पष्ट मत है, वो ये है कि अगर आप युद्ध में हैं, जंग में हैं, संघर्ष में हैं, तो आपको सिर्फ अर्जुन की चिड़िया की आंख की ओर देखना है।